नमस्कार, आगे का एजेंडा लेकर हाजिर हूं मैं राजेंद्र देव। बड़ी खबर है और बड़ी खबर के साथ बात की शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल के जेल पहुंचने के बाद दिल्ली की राजनीति लगातार गर्म है और इस बीच कल एक नया मोड़ इसमें तब आ गया जब केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री की कुर्सी छोड़ दी। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और अब मंत्री के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से वार पलटवार हो रहा है। सवाल यह भी है कि अब राजकुमार के पास जो विभाग थे वो कौन संभालेगा। संकट यह है कि केजरीवाल जेल में है और अगर नया मंत्री बनता है तो सीएम इसके लिए एलजी को फाइल कैसे भेजेंगे। ये कुछ प्रश्न इस वक्त सामने खड़े हैं आम आदमी पार्टी के, उनके रणनीतिकारों के। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया है, मंत्री का विकेट गिरा है, आम आदमी पार्टी में संकट बढ़ा है, यह समझ में आ सकता है। और अब आपको बताते हैं इससे जुड़े कुछ और तथ्य। मंत्री का विकेट गिरा, आम आदमी पार्टी में संकट बढ़ा, कैसे? देखिए, झटका लगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया राजकुमार आनंद ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए। अगला बिंदु आप देखिए, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा राजकुमार आनंद का हुआ, अब इसमें संवैधानिक संकट क्या है? जेल से मुख्यमंत्री फाइल पर साइन नहीं कर सकते तो फिर उनके डिपार्टमेंट्स कैसे संभालेगा कोई? मुश्किल क्या है वही हम आपको बता रहे हैं। नए मंत्री को जगह कैसे मिलेगी क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है और इसके लिए उनको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद मीडिया के सामने आए और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, दलित समाज के अपमान का मुद्दा उठाया और भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े किए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। राजकुमार आनंद की बात आपने सुनी, उनके इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए एक के बाद एक। इसका जवाब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिया। यही है राजकुमार आनंद जिनके यहां 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा, 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। हो सकता है जल्दी ही आपको दिखाई पड़ जाए वो व्यक्ति जिसके लिए खुद भाजपाई नड्डा से लेके अमित शाह से लेके मोदी तक सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है भ्रष्ट है, कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं ये पूरी दुनिया देख लेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक नहीं अनेक नेता जेल में, उनके स्वास्थ्य मंत्री हो, जेल मंत्री हो, उनके शिक्षा मंत्री हो, शराब मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सब बेईमानी के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में कट्टे बेईमान होने का इनके ऊपर स्टैंप लगी है और आज जेल में है। दुर्भाग्य ये है, पीड़ा होती है ये देखकर कि दिल्ली की जनता अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस करती है। बड़े बड़े वायदे करके केजरीवाल जी और पार्टी ने दिल्ली की जनता को झांसा दिया, वोट लिए। आज जनता देखती जैसे 13 साल पहले थे उससे बदतर हालत में आकर दिल्ली को खड़ा किया। तो अरविंद केजरीवाल जी, इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजकुमार आनंद के घर से मेघा उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले दीपक रावत के पास चलेंगे। दीपक, का मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, जो संवैधानिक प्रश्न खड़े हैं अभी अभी मैंने उसके बारे में दर्शकों को बताया है, वो डिपार्टमेंट्स किसको जाएंगे और कैसे जाएंगे, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। जी बिल्कुल, और काफ़ी अहम विभाग है, समाज सेवा से जुड़ा विभाग है, उसमें अब राजकुमार आनंद के पास था और अब जबकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो तमाम विभाग खाली हो जाएंगे। सीधे तौर पर यह है संवैधानिक संकट की बात, जहां तक आप भी बता रहे थे, दरअसल मुख्यमंत्री ही रिकमेंड करता है अगला मंत्री कौन होगा और उसके पास कौन कौन से विभाग होंगे। मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन पर LG उस पर हस्ताक्षर करते हैं और उसके बाद नए मंत्री को शपथ दिलाई जाती है। और अब जबकि सबको पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं और वहाँ से
से किसी प्रकार की कोई फाइल साइन करने की अनुमति उनके पास अभी नहीं है। तो ऐसे में नए मंत्री का चुनाव किस तरीके से होगा, कैसे नए मंत्री के रिकमेंडेशन जो एलजी तक भेजी जाएंगी, तो एक तरीके से ये तमाम संवैधानिक संकट इस वक्त दिल्ली सरकार इससे जूझ रही है, इसका कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके पीछे जो रास्ता निकलता है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि या तो कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जो है वो गुहार लगा सकती है कोर्ट से कि उन्हें फाइल साइन करने की अनुमति दी जाए ताकि वो नए मंत्री को आगे रिकमेंड कर सकें, ताकि जो विभाग खाली हुए हैं जिनके मंत्री ने इस्तीफा दिया है उन विभागों में काम हो सके। या आप समझिए कि अगर मंत्री नहीं रहेगा तो उससे जुड़े तमाम विभागों में जो कामकाज है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो ये एक बड़ा संवैधानिक संकट जरूर आ गया है इस वक्त दिल्ली सरकार के ऊपर। और जिस तरीके से एलजी पहले भी एक से दो बार चिट्ठी गृह मंत्रालय को लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जो मंत्री हैं चाहे वो सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, गोपाल राय हैं, वो बैठकों में नहीं आ रहे हैं, उन्हें जब बुलाया जाता है तो वो आते नहीं हैं, उनकी तरफ से जवाब नहीं आते हैं। तो जब एलजी एक से दो बार ये गृह मंत्रालय को सूचित कर चुके हैं कि दिल्ली सरकार का कामकाज ठीक से नहीं चल रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से, तो अब जबकि एक मंत्रालय का एक मंत्री जब नहीं रहेगा उसके विभाग खाली रहेंगे तो फिर इसको लेकर भी जो एलजी है वो गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि यही वो तरीका है जिसके जरिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन जो है वो थोपा जा सकता है, और जिसका डर जो है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को पहले से ही सता रहा था। आप कह रहे हैं दीपक, आपकी बात से जाहिर हो रहा है कि कोर्ट जा सकती है आम आदमी पार्टी इस बाबत किसी हल की दिशा में। अब हम राजकुमार आनंद के घर चलेंगे जिन्होंने कल इस्तीफा दिया है पार्टी से भी और मंत्री पद से भी, और उनके घर से हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय जुड़ी हुई है। मेघा, इस वक्त वहां पर क्या वातावरण है, क्या कोई बड़ा चेहरा उनसे मिलने पहुंचा है या वो खुद किससे मिलने गए हैं? जी देखिए राजेंद्र, मैं बिल्कुल मंत्री जो है मंत्री पद से जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके आवास के बाहर राजकुमार आनंद का ये आवास है ये तस्वीरों में, लेकिन इस वक्त अगर आप बाहर की तस्वीरें देखें तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ना ही कोई अंदर तस्वीरों में नजर आ रहा है और ना ही कोई घर के बाहर। हमने अंदर जाने की उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की, यहाँ पर बाहर जो घर के बाहर अमूमन गार्ड्स होते हैं जो उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इस वक्त घर पर वो मौजूद नहीं है। और यही कल भी, क्योंकि कल भी एबीपी न्यूज की टीम जो हमारे सहयोगी है वो यहाँ पर पहुंचे थे, मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल भी उन्होंने किसी से बात नहीं करना चाहा। दरअसल जो सामने आ रहा है, जो बात हमें पता चली उसके मुताबिक वो घर पर मौजूद ही नहीं है, और ना केवल वो बल्कि उनके घर के बाहर भी कोई मौजूद नहीं है। और एक बात और है कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसपे उन्होंने तमाम आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी होने के साथ साथ, उनको जो पद मिला था खासतौर के दलित मंत्री के तौर पर वो उसको लेकर काम नहीं कर पा रहे हैं, दलितों को आगे नहीं रखा जा रहा, उसके बाद उन्होंने किसी से भी पर्सनल तौर पर बातचीत नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बिल्कुल गायब है। जिसके बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके क्लिप सभी हमने दर्शकों को दिखाया जी, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पहले भी ईडी का छापा पड़ा था, साथ ही आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अब वो बीजेपी का दामन थामेंगे। कल सौरभ भारद्वाज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें ये दावा किया था कि वो अब बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन इस वक्त उनकी तरफ से यानी कि राजकुमार आनंद की तरफ से कोई भी कुछ भी ना ट्वीट करके जानकारी दी गई है ना कि उनके घर में। आपको एक बार दोबारा तस्वीरें दिखाऊं तो आपको ऊपर से नीचे मेरे कैमरा पर्सन अनिल राणा पैन करके दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि वो घर पे मौजूद नहीं है और न ही उन्होंने किसी से कोई बात की है, न ही उनसे कोई मिलने पहुंचा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।